नागपुर में संघ के मंच से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ऐसा भाषण दिया जिसे बीजेपी भी अपने विचारों की जीत बता सकती है और कांग्रेस भी, लेकिन प्रणब दा ने नागपुर में जो भी कहा और किया वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को परेशान कर सकता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को महान बताया। गांधी की हत्या के बाद जिस गुरु गोलवलकर को जेल में रखा गया था उसकी समाधि पर फूल चढ़ाए और फिर संघ के मन से देश को देशभक्ति और राष्ट्रवाद की परिभाषा समझाई। करीब 30 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और सरदार पटेल का जिक्र किया। उनके भाषण में कुछ ऐसी बातें थी जो कांग्रेस को चुप सकती हैं और कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को भारत का महान सपूत बताने और गुरु गोलवलकर की समाधि पर फूल चढ़ाने के बाद संघ के मंच से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जिस तरह देश को देशभक्ति और राष्ट्रवाद की परिभाषा समझाई, उससे साफ था उन्हें सुलझी और दूरदर्शी सोच वाला नेता क्यों कहा जाता है। प्रणब दा ने संघ या उसकी गतिविधियों के बजाय देश को संदेश दिया कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद है क्या। टुडे आई एम हियर amidst you to share my understanding with you the concepts of nation, nationalism and patriotism in the context of India, that is Bharat. These three concepts are so closely intertwined that it is difficult to discuss any one of them in isolation. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन से ही प्रणब दा ने संकेत दिया कि यहां वो सिर्फ मेहमान है, स्वयंसेवक नहीं, और भाषण में उग्र राष्ट्रवाद को देशित में मानने वालों को बताया कि राष्ट्रवाद कभी उग्र नहीं हो सकता और नफरत की भावना से देश को खतरा है। We derive our strength from tolerance. We accept and respect our pluralism. We celebrate our diversity. There have been a part of our collective consciousness for centuries. Any attempt at defining our nationhood in terms of dogma and identities of religion, region, hatred, and intolerance will only lead to the dilution of our national identity. As Sarvapalli Radhakrishnan said, any differences that may appear are only on the surface, but we remain a distinct culture, cultural unit with a common history, a common literature, and a common civilization. प्रणब दा का करीब आधे घंटे का भाषण बेहद संतुलित था। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए इतिहास को आधार बनाया और चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक समेत ऐसे किरदारों का जिक्र भी किया जो अक्सर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के भाषणों में सुने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति ने नेहरू, गांधी और धर्मनिरपेक्षता की बात कहकर कांग्रेस के आदर्शों को भी प्रणाम किया। As Gandhiji explained, Indian nationalism was not exclusive, nor aggressive, nor destructive. It was this very nationalism that Pandit Jawaharlal Nehru so vividly expressed in the discovery of India, and I quote, I am convinced that nationalism can only come out of the ideological fusion of Hindu, Muslims, Sikhs, and other groups in India. That does not mean the extinction of any real culture, cultural or of any group, but it does mean a common national outlook to which other matters are subordinated, unquote.
प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में भगवान राम को देश की शांति के लिए आदर्श पुरुष बताया, साथ ही देश पर हमला करने वाले मुस्लिम हमलावरों का जिक्र भी किया, जिनके बारे में बोलने से संघ के विरोधी अक्सर बचते हैं। After losing the battle at Tarain, Delhi was captured by the Muslim invaders. The next 600 years were the Muslim rules. Throughout the period of 2500 years of changing political fortunes and conquests, the 5000-year-old civilizational continuity remained unbroken. In fact, each conqueror and each foreign element had been absorbed to form a new synthesis and unity. Poet Rabindranath Tagore very beautifully and magnificently described, Keho nahi jane, kar aahvane, koto manusher dhara, durbar srote, elo kotha hote, samudre holo hara. Like rivers into the vast ocean and created an individual soul that is called Bharat. संघ के मंच से प्रणब मुखर्जी ने कहा कि विविधता और सहिष्णुता ही भारत की आत्मा है और राष्ट्रवाद किसी भाषा, रंग, धर्म या जाति से प्रभावित नहीं होता है। इंडियन नेशनलिज्म इमानेटेड फ्रॉम यूनिवर्सलिज्म द फिलोसॉफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम सर्वे सुखी न भवंतु सर्वे संतु निरामयो। वी सी द होल वर्ल्ड एज वन फैमिली एंड प्रे फॉर द हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ ऑफ ऑल। आवर नेशनल आइडेंटिटी has emerged through a long-drawn process of confluence, assimilation, and coexistence. The multiplicity in culture, faith, and language is what makes India special. इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति ने देश की सरकारों को उनका राजधर्म भी बताया। प्रणब ने कहा कि जनता की खुशी में ही राजा की खुशी होनी चाहिए। साथ ही प्रणब दा ने कहा कि हिंसा से समाज को बचने की जरूरत है। प्रजा सुखे सुखं राजो प्रजानं च हिते हितं नत्म प्रियं हितं राजो प्रजानन्तु प्रियं हितं। संघ के गढ़ से प्रणब दा सियासी पार्टियों को राष्ट्रवाद और हिंदुस्तान पर पाठ पढ़ाकर बैठ गए और उनके इस भाषण का सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से मतलब बताएंगी। प्रणब मुखर्जी का यह भाषण देश के लिए भी सीख है और देश की राजनीति के लिए भी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जिसका इस्तेमाल अपने अपने फायदे के लिए किया जाएगा। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, नागपुर। और हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी नागपुर में ही मौजूद हैं और कल वहां पर उन्होंने पूरा कार्यक्रम कवर भी किया। रवि, आज दिन भर तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से बेंड करने की कोशिश करेंगी प्रणब दा के बयान को, लेकिन मैसेज किसके लिए था, लब्बो लो आप क्या है? वो किताब आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। दो पॉइंट में बिल्कुल क्लियर है कि दोनों को मैसेज है। संघ के लोगों को भी ये मैसेज है कि इस देश का जो कल्चर है वो विविधता में है और टॉलरेंस में है। मतलब हम असहिष्णु नहीं हो सकते हैं, हम सहिष्णु हमारा कल्चर है, हम किसी को मारते नहीं हैं, किसी को पीटते नहीं हैं, हमारे कल्चर में नहीं और उसी कल्चर को फॉलो करना चाहिए। 10 नंबर पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि द सोल ऑफ इंडियन रिजाइड्स इन प्लुरलिज्म एंड टॉलरेंस। और अगर 11 नंबर पॉइंट पे आप जाती हैं तो 11 नंबर पॉइंट पे साफ साफ उन्होंने कहा है कि डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है इन अ डेमोक्रेसी, इन्फॉर्म्ड एंड रीजन्ड पब्लिक एंगेजमेंट ऑन ऑल इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज इसेंशियल, अ डायलॉग इज नेसेसरी। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि वी मे एग्री वी मे नॉट एग्री बट हम लोगों को डायलॉग करना चाहिए। ओनली थ्रू अ डायलॉग कैन वी डेवलप द अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विदाउट एन अनहेल्दी स्ट्रिफ विद इन आवर पॉलिसी।
ये सीधे तौर पर कांग्रेस के उन लोगों को संदेश है कि जो आप डायलॉग से भाग रहे हैं, पब्लिक एंगेजमेंट पर जो हल्ला मचाया उन्होंने प्रणब मुखर्जी के यहाँ आने पर, उनको एक तरह से संदेश है कि बातचीत होना जरूरी है। लोकतंत्र में डायलॉग के जरिए ही आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं प्लेटफॉर्म से जाकर। और वही काम किया उन्होंने, एक बजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने दोनों को संदेश दिया। जो कमियां संघ के लोगों में है, जो लोग हिंदू के नाम पर जो कहीं ना कहीं दंगा करते हैं, मारपीट करते हैं हिंदुत्व के नाम पर, उनको भी संदेश है कि देश का नेचर ये नहीं है। लेकिन साथ साथ कांग्रेस के लोगों को एक अच्छा संदेश वो दे गए हैं कि किसी भी फॉर्म में जो वायलेंस है, चाहे तो फिजिकल हो या वर्बल हो, तो आप वर्बल वायलेंस भी नहीं कर सकते हैं जो कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ किया। एक तरह से कहा जाए आप विचारधारा का स्वागत कीजिए, विचारों से बातचीत कीजिए। और जिस तरह से उन्होंने आरएसएस तो मान के चल रही कि उन्होंने इंडोर्स किया इस बात को, चूंकि उन्होंने महान सपूत हेडगेवार को कहा पहले, तो ये इंडोर्समेंट है, ये आरएसएस का काम ठीक है। लेकिन जो गलतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, वो मोहन भागवत ने साफ कहा कि यहाँ आने से न तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बदल जाएंगे न संघ बदलेगा। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी रहेंगे, संघ भी संघ रहेगा, लेकिन हम विचारों का स्वागत करते हैं। तो दोनों को सीख मिली है, दोनों को उन्होंने सीख दिया एक मजे राजनेता के तौर पर, मुझे लगता है। बहुत ही एक न्यूट्रल बयान उनकी तरफ से आया है, जो परेशान थी तमाम पार्टियां, खासकर कांग्रेस, उसकी परेशानी जरूर थोड़ी सी कम होगी और अब उसे अपने हिसाब से बैंड करने की वो कोशिश करेगी और बयान सामने आएंगे, आ भी रहे हैं। शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए। इस बीच कांग्रेस ने ये कहा है कि प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस को सच का आईना दिखाया है। श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा का पाठ आरएसएस के मन से आरएसएस को पढ़ाया। आरएसएस की आंख और आत्मा पर जो मकड़ जाल जड़े हैं उनको उतारने का प्रयास भी किया। श्री प्रणब मुखर्जी ने सच का आईना दिखाते हुए आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में आरएसएस और देश को ये बताने का प्रयास किया कि भारत उसकी विविधता में जीता है, भारत अहिंसा के अंदर जीता है, भारत की सहिष्णुता, भारत की सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता, अलग अलग रंग, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार, अलग अलग ड्रेस कोड्स, अलग अलग खान पीन की आदतें और अलग अलग शक्लों के बावजूद और हजारों डायलेक्ट्स, 1600 से अधिक डायलेक्ट्स बोलने के बावजूद भारत एक सूत्र में बंधा हुआ देश है, यही भारत की खूबसूरती है। ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पर उन्होंने बताया। मोदी सरकार को भी प्रणब मुखर्जी साहब ने राजधर्म की याद दिलाई और बताया कि किस प्रकार से शासक का की खुशी केवल और केवल देश की जनता की खुशी में है, शासक का कल्याण देश की जनता के कल्याण में है।